हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ऑल इन वन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और कच्ची हल्दी मार्केट में आनी शुरू हो चुकी है और इस मौसम में हम अगर हल्दी का अचार खाएं तो बहुत ही गुणकारी होता है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक का काम भी करता है, छोटी मोटी बीमारियों से हमें निजात दिलाता है। अगर हम इसे रेगुलर के खाने में खाना शुरू करते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसे मैं आज अचार के रूप में बनाने जा रही हूँ क्योंकि अचार से हम इसे रोज के रूटीन में खा सकते हैं और इस अचार को हम एक बार बनाएंगे तो कई दिनों तक खा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में और हम मिलकर बनाते हैं ये हल्दी का अचार। हल्दी आमले का अचार बनाने के लिए मैंने आधा किलो हल्दी ली है, ये कच्ची हल्दी है, और पाव भर आमले लिए हैं। और इन दोनों को मैंने इसलिए एक साथ बना रही हूँ क्योंकि हमको इससे हल्दी में कोई और खटाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें इसी की नेचुरल खटाई से ही बहुत अच्छी हल्दी का अचार बनकर तैयार हो जाएगा और हल्दी का कसैलापन भी दूर हो जाएगा। एक पैन में पानी लेकर के आंवलों को उबालेंगे और पानी में हम आधा चम्मच हल्दी और 3/4 चम्मच नमक डाल लेंगे और इस पानी में हम अपने आंवले डाल देंगे उबलने के लिए। जब तक ये आंवले उबल रहे हैं तब तक मैं हल्दी छिलकर तैयार कर लेती हूँ। ये हल्दी को हम साबुत ही धोकर रख लेंगे ताकि इसमें पानी ज्यादा ना रहे। साबुत हल्दियों को सबको छीलने के बाद अच्छी तरह से धोकर सुखा लेंगे, उसके बाद इसे काटेंगे। अब ये आंवले भी हमारे उबल चुके हैं, अभी इस तरह से फटने लगे हैं, इसका मतलब ये आंवले हमारे अच्छी तरह से उबल गए हैं। इनकी फांके इस तरह से अलग अलग हो रही हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन आंवलों को भी फांके अलग अलग कर लेंगे। अब ये मैंने हल्दी छील ली है और ये छील करके इसको अच्छी तरह से धो लिया है और धोकर थोड़ी देर सुखा लिया है जिससे इसमें बिल्कुल भी पानी न रहे। और अब हम इसे इस तरह से पतली पतली फांके इसकी काट लेंगे, जूलियंस बना लेंगे इसके, और ये बहुत इजीली कट जाती है। इस सारी हल्दी को इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे, बहुत ज्यादा मोटे पीसेस नहीं करने हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें इनमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। अब ये मैंने हल्दी को अच्छी तरह से काट कर थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा में सुखा दिया था, लगभग 1 घंटे के लिए सुखा दिया था और अच्छे से। अब ये बिल्कुल इसका पानी सूख चुका है और आमलों की भी मैंने फांके कर ली हैं। और मसालों में हमें ड्राई मसालों में हमें साबुत मसालों में कलौंजी, सौंफ, जीरा, राई और दाना मेथी चाहिए। और हल्दी तो क्योंकि अपने आप में ही हल्दी है इसलिए हल्दी की जरूरत नहीं है, नमक, मिर्च और धनिया, बस इतने ही मसाले चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इसे कैसे बनाते हैं। हम अपने ड्राई मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके लिए मैं सबसे पहले डालूंगी दाना मेथी, लगभग 1 बड़ा चम्मच दाना मेथी डालेंगे, इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी इसे हम थोड़ा सा ही 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे जिसमें इसका कलर बदल जाएगा, इससे इसमें इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगेगी, इसलिए हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट करते हैं और इनकी नमी भी निकल जाती है। अब इस दाना मेथी को रोस्ट होते हुए 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, लगभग 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई। इन सब मसालों को थोड़ी देर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस बहुत ज्यादा देर हमें इसे नहीं सेकना है, बस हल्की सी इसमें से जब खुशबू आने लगे तब हम इन मसालों को बंद कर देंगे, गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें दरदरा सा कूट लेंगे। अब ये देखिए इसमें से कड़कने की आवाज आने लगी है, अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मसालों को मैं इसमें डालकर दरदरा सा पीस लूंगी। अब
बस बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा ही पाउडर बनाना है। अगर आपके पास इस तरह का ये खरड़ नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी दरदरा पाउडर बना सकते हैं। ये इसका दरदरा सा पाउडर मैंने बना लिया है और अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे सरसों का तेल। बस इस तेल को थोड़ी देर गरम करेंगे और जब ये तेल गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद इसमें मसाले मिलाएंगे। अब ये तेल गरम हो चुका है और इसमें से धुआं भी निकलना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर अब हम इसे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जब ये तेल बिल्कुल ठंडा नहीं हल्का सा गुनगुना रह जाएगा उसी टाइम ही हमें अपने बाकी मसाले डालने हैं। तो अभी हम 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को ऑफ करके छोड़ देते हैं। ये तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, एकदम ठंडा नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ये दरदरी पीसे हुए मसाले। और अब इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है। इसमें मिलाएंगे हमारी कटी हुई हल्दी और आंवले। हमने इसमें इसलिए मिलाए हैं क्योंकि हमें और किसी खटाई को डालने की जरूरत नहीं है। आंवला पाउडर की खटाई भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास आंवले ना हो। इससे इसमें हमें और किसी भी तरह की खटाई डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे कलर भी इसका बहुत अच्छा रहता है और इसमें कसैलापन भी दूर हो जाता है। अब हम इस स्टेज पर इसको सभी मसालों को मिक्स करके इसको इसी तरह से बर्नी में भर के भी रख सकते हैं और इसे 2-3 दिन धूप लगवा सकते हैं तो उससे भी हमारा ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हम इसको धूप नहीं लगवाऊंगी, मैं इसे 5 मिनट और सेक लूंगी। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और 5 मिनट और सेकेंगे जिससे अब हमें इसे धूप लगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इंस्टेंटली बनकर तैयार हो जाएगा। और ये हल्दी और आंवले का अचार हम एक बार बनाकर कितने 15-20 दिनों तक आराम से खा सकते हैं। इस अचार ये अचार खराब नहीं होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब ये अचार को हम 5 मिनट के लिए ढककर और पका लेंगे और उसके बाद हमारा ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा। और 5-7 मिनट हो चुके हैं इसे सीखते हुए और अब हम ये देखते हैं। अब ये देखिए कितना बढ़िया हल्दी और आंवले का अचार बनकर तैयार है। और बस अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और उसके बाद बर्नी में भरकर रख देंगे। अब हमारा ये अचार ठंडा हो चुका है, अब हम इसे बर्नी में भरकर रख देते हैं। अब हमारा ये हल्दी आंवले का अचार बनकर तैयार है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।